नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि महाभारत काल में सबसे प्रिय, जो सभी के दिलों को प्यारा था, वह थे भगवान कृष्ण, और उन्हीं की रासलीला और गाथाएं आज भी महाभारत की हर किस्से कहानियों में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज जो खास कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इस कथा को सुनने से पहले आपके मन में बहुत पहले सवाल तो जरूर आए होंगे कि आखिर अर्जुन के रथ पर हनुमान जी क्यों सवार थे, क्यों अर्जुन युद्ध से पहले आत्महत्या करना चाहते थे, और क्यों हनुमान जी को कृष्ण ने अर्जुन के हाथों से हरवाया। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि अर्जुन के रथ पर भगवान श्री हनुमान जी ध्वज के ऊपर विराजित होकर अर्जुन के रथ को सुरक्षा दे रहे थे, पर ऐसा हुआ था एक शर्त के कारण। उस शर्त में भगवान श्री कृष्ण ने वेश बदलकर हनुमान जी को अर्जुन से हरवाया था। श्री हनुमत पुराण में एक प्रसंग इस बात पर भी रोशनी डालता है, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी समझ सके कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। एक बार अर्जुन रामेश्वर के धनुषकोटी तीर्थ पर स्नान कर रहे थे। उन्हें एक पर्वत पर एक वानर को देखा, जो हनुमान जी थे। उन्हें देखकर अर्जुन ने जान लिया कि यह राम भक्त हनुमान है। अर्जुन को अपनी शक्ति पर घमंड था। उन्होंने व्यंग रूप में हनुमान जी से कहा, तुम लोगों ने समुद्र के उस पार जाने के लिए जो पत्थरों से सेतु बनाया, वह मूर्खतापूर्ण कार्य था। मेरा जैसा यदि विद्वान और अच्छा धनुर्धर होता तो अपने दिव्य बाणों से क्षण भर में ही सेतु बना देता। हनुमान जी ने अर्जुन के घमंड भरी बातों पर हंसने लगे। उन्होंने बताया कि ये बाणों से बना सेतु वानरों का भार नहीं उठा सकता था। अर्जुन को अपनी शक्ति पर ज्यादा ही गर्व था। उन्होंने हनुमान जी को ललकारा कि मैं अभी बाणों से सेतु बनाता हूँ, और वो सेतु आपके वजन से टूटेगा नहीं। हनुमान जी कैसे चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी कह दिया कि तुम्हारा सेतु मेरे अंगूठे तक का भार नहीं सह सकता है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा कि यदि ऐसा होगा तो वह अपनी हार के बाद अग्नि में कूदकर अपनी जान दे देंगे। हनुमान जी ने अर्जुन को वचन दिया कि यदि वह हार गए तो अर्जुन के रथ की ध्वजा पर सवार होकर उसकी रक्षा करेंगे। इसके बाद अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और क्षण भर में बाणों से सेतु बना दिया, और हनुमान जी को कहा कि आपका वजन यह सेतु आसानी से सह लेगा। हनुमान जी ने जैसे ही उस सेतु पर अपना अंगूठा रखा, सेतु गिर पड़ा। अर्जुन का घमंड पूरी तरह से चूर हो गया था। शर्त के अनुसार अर्जुन को अग्नि दाह करना था। हनुमान जी ने उन्हें माफ कर दिया, पर अर्जुन नहीं मान रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वेश बदलकर उन दोनों के वह करीब पहुंच गए। उन्होंने हनुमान जी से पुनः इस शर्त को दोहराने की बात कही। हनुमान जी मान गए और अर्जुन ने फिर से अपने दिव्य बाणों से सेतु बना दिया। इस बार हनुमान जी के लाख प्रयत्न के बाद भी सेतु तस से मस नहीं हुआ। हनुमान जी विस्मित हो गए, और उन्होंने गौर से देखा तो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र उस सेतु को सहारा दे रहा था। वह समझ गए कि नारायण की कृपा से यह सब हो रहा है। शर्त हारने के कारण हनुमान जी को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर सवार होकर उन्हें रक्षा देनी पड़ी थी। इस वजह से दोस्तों कहा जाता है कि उस समय अर्जुन सबसे ताकतवर थे, क्योंकि उनके पास रथ के सारथी के तौर पर भगवान श्री कृष्ण और उनके रथ के ध्वजा पर हनुमान जी थे। इसीलिए कभी भी उनके रथ का कोई भी बाल भी बाका नहीं कर पाया था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।